आज हम बनाएंगे ब्रेड से रसमलाई, और उसके लिए मैंने ले लिए हैं ब्रेड और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैंने थोड़ा बारीक बारीक कट कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और ये हमने अपना पैन चढ़ा दिया है। इसमें हम डालेंगे एक ग्लास फुल क्रीम दूध। अगर आपके पास फुल क्रीम दूध नहीं है तो आप एक ग्लास नॉर्मल दूध में भी थोड़ी सी मलाई डाल सकते हैं, वो भी आपका फुल क्रीम दूध की तरह ही काम करेगा। और अब हम इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। ये देखिए हमारा दूध जो है वो भी बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। हम इसको 2 से 3 बार बॉईल करेंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से गाढ़ा हो जाए। ये देखिए मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। मेरे पास इस टाइम पर केसर नहीं था, तो अगर आप इसमें अच्छा कलर लाना चाहें तो आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, और हल्दी तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, आपको पता ही है। अब हम इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। ये देखिए हल्दी की बातें करते करते हमारा दूध भी अच्छे से बॉईल हो गया है। बार बार इसको बीच में स्टेयर करते रहें, नहीं तो जो दूध है वो साइडों से लगना शुरू हो जाएगा। इसको 2 से 3 बार अच्छे से उबाला आने दें, तब तक जो हल्दी है वो भी अच्छे से पक जाएगी। ये देखिए ऐसे चम्मच चलाते रहें ताकि दूध नीचे या साइडों में लगे नहीं। अच्छे से हम चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा दूध अच्छे से कुक हो गया है, उबाला भी आ गया है। अब हम इसको फिर से थोड़ी देर के लिए फिर से कुक होने देंगे, जिससे जो उसकी कंसिस्टेंसी है थोड़ी थिक हो जाएगी। और इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे शुगर। अब आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं शुगर, अगर कम चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। अब हम फिर से इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी का हमारा दूध बॉईल हो गया, और ये देखिए दूध ने कितना अच्छा येलो कलर दिया है। अब हम चलते हैं अपने ब्रेड की तरफ। अगर आपके पास कोई कटर है तो आप उससे भी ब्रेड को कट कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम पर कोई कटर नहीं था, तो मैंने ये ग्लास ले लिया है और उसको ब्रेड के ऊपर रखा है। और ये देखिए कितना अच्छा गोल गोल हमारी रसमलाई बनी है। ऐसे ही हम सारी ब्रेड्स को कट कर लेंगे। अब एक डेकोरेशन के लिए एक बाउल लेंगे, उसमें अपना एक ब्रेड का पीस रखेंगे और उसके अंदर जो हमने ये दूध बनाया था उसको अच्छे से पहले कर लेना है, और उसके बाद ही ब्रेड के ऊपर डालना है। ये देखिए जितना ये ब्रेड एब्जॉर्ब करेगी उतना आपको बहुत अच्छे से दूध डालना है, वरना वो आपको टेस्ट नहीं आएगा। बिल्कुल ब्रेड जैसा टेस्ट आएगा, रस मलाई का कोई टेस्ट नहीं आएगा। अब हम जैसे अच्छे से जो नीचे वाली ब्रेड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसके बाद दूसरी ब्रेड लेंगे और उसके ऊपर हम ये सारा जो दूध है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप इसको अच्छे से चिल्ड होने के बाद ही यूज़ करें, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। ये देखिए मैंने अपने 2 पीसेस को अच्छे से डिप कर लिया है इसके अंदर। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसमें डालेंगे गार्निशिंग के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास अभी बादाम और सिर्फ काजू थे तो मैंने वही डाले हैं। और ये देखिए कितनी माउथ वाटरिंग हमारी रसमलाई लग रही है, खाने में बहुत टेस्टी बनी है। आप भी इसको बनाइए और खाइए। और जन्माष्टमी बहुत पास आ रही है, तो हम इस वीक पूरा जन्माष्टमी स्पेशल कुछ स्वीट्स बनाएंगे, और जन्माष्टमी स्पेशल के लिए हमारे साथ बने रहिए।